हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एपिलेप्सी या जिसे हम सीजर डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो जनरली इसमें क्या जर्किंग मूवमेंट्स हमें मिलते हैं, तो ये कैसे होता है, क्या इसके टाइप्स रहते हैं, ये सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सो इट इज अ सीजर डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। क्यों आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स? क्योंकि एबनॉर्मल एक्टिवेशन हो जाता है ब्रेन के न्यूरॉन्स का। ये ब्रेन है, इसके स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और ये कंटिन्यूअसली सिग्नल सेंड करते हैं। ठीक है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स ज्यादा हो जाते हैं। तो इसकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी हम समझेंगे। सो साइंस एंड सिम्टम्स ड्यू टू एबनॉर्मल या फिर एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी, न्यूरॉन की एक्टिविटी जो है ब्रेन में वो बढ़ जाती है, एक साथ सारे न्यूरॉन्स सिग्नल सेंड करते हैं। और फिर सिग्नल कहाँ सेंड करते हैं? मसल्स में सेंड करते हैं। मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं, वो लेके जाते हैं मसल्स में और मसल की ट्वीचिंग जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम समझेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी, कैसे ये सब प्रोसेस हो रही है। तो ब्रेन को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए एक्साइटेशन और इनहिबिशन दोनों में बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ओके, टू फंक्शन नॉर्मली ब्रेन मेंटेन बैलेंस बिटवीन एक्साइटेशन एंड इनहिबिशन। ठीक है, कि इतना एक्साइटेशन होना चाहिए, इतना मूवमेंट होना चाहिए और फिर उसके बाद इनहिबिशन हो जाना चाहिए। लेकिन एपिलेप्सी में क्या हो रहा है, एक्साइटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, या तो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा है ना, या फिर इनहिबिटरी न्यूरॉन्स कम है। सो इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम एक डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये आपका ब्रेन है, ब्रेन का ये एक स्पेसिफिक पार्ट है जहाँ के न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि सिग्नलिंग कैसे हो रही है, तो ये आपका क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन का ये एक्सॉन वाला पार्ट है, एक्सॉन वाले पार्ट को हमने मैग्नीफाई कर दिया। मैग्नीफाई कर दिया तो हमें क्या मिलता है, सो कुछ आयंस रहते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, जो कि अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं, जिसके कारण एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है, तो ये आयंस के अंदर और बाहर जाने के लिए चैनल्स बने रहते हैं। ठीक है, ये चैनल्स बने रहते हैं जिन्हें ओपन करना या क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो कि ये जो गेट है इसे या तो ओपन करेंगे या तो क्लोज करेंगे। अगर ओपन करेंगे तो इन्फ्लक्स हो जाएगा सोडियम और कैल्शियम का, अंदर इन्फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और इम्पल्स जनरेट होगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, न्यूरॉन से मसल तक के। ठीक है, कौन से न्यूरॉन्स लेके जाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स लेके जाते हैं। मोटर न्यूरॉन सिग्नल्स ब्रेन से मसल्स पे लेके जाते हैं और एक्शन जनरेट होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या रहते हैं, जैसे हमारे स्किन क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है, यहाँ से मैंने समझो यहाँ पे टच किया तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन तक ले गए। ठीक है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए और ये मोटर न्यूरॉन्स हो गए। ओके, सो अब हम पढ़ते हैं कौन से एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं जो कि ये जो गेट है इसे ओपन कर देंगे और कौन से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ये जो रिसेप्टर्स है इनको ओपन कर रहे हैं, इन्हें हम एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, और जो इसे क्लोज कर दे उसे हम इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ओके, सो हमने डिस्कस किए टू टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में कौन रहता है, ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट, तो ये क्या करता है, इन्फ्लक्स करता है सोडियम का और कैल्शियम का। ठीक है, तो ये जो गेट है उसे ये ओपन करता है और इन्फ्लक्स करता है, इन्फ्लक्स यानी अंडर भेजता है सोडियम को और कैल्शियम को। सोडियम में भी 2+ है, कैल्शियम में भी 2+ है। ठीक है, तो पॉजिटिव सिग्नल अंदर जा रहा है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, सो इट इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ओपन करता है। ठीक है, तो ग्लूटामेट और एस्पार्टेट। अब हम पढ़ते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे कि ये जो गेट है इसे बंद कर देंगे। तो इनमें कौन सा आता है, गाबा आता है, जिसका फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, गाबा इट इज अ मेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि इनहिबिट करता है, यानी एक्शन पोटेंशियल और इंपल्स को जनरेट होने नहीं देता है। तो इसमें ये तो सोडियम और कैल्शियम को जाने नहीं देता है, लेकिन जो क्लोराइड रहता है, क्लोराइड में क्या है, Cl- है, तो इसका थोड़ा सा इन्फ्लक्स ये बढ़ा देता है। ठीक है, तो नेगेटिव सिग्नल अंदर गया, सो इट इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सो ये जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, किसी किसी में जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है और ये गाबा जो है जो इनहिबिट करता है वो डिसफंक्शनल हो जाता है, यानी जो रिसेप्टर है इसके काम नहीं करते हैं। सो क्या होता है, इनहिबिट नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअसली एक्साइटेशन हो रहा है। ठीक है, सो सेरेब्रल न्यूरॉन्स कंटिन्यूअसली एक्साइट हो रहे हैं, और ये एडिशनली अगर कोई ब्रेन इंजरी हो जाए या ब्रेन में ट्यूमर है या इन्फेक्शन है तो
तो भी ये सब चीजें होती है, एपिलेप्सी आती है। तो ये सब चीजें अगर हो रही है तो साइंस एंड सिम्टम्स तो आएंगे, जैसे कि हमें जर्किंग मिलेंगी पेशेंट में, ठीक है, एबनॉर्मली ऐसे जर्क करेगा वो और कॉन्शियसनेस उसकी चले जाएंगी, लूजिंग कॉन्शियसनेस। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन एपिलेप्सी का। तो हम मेनली से टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। अगर वो सिर्फ एक लोब को अफेक्ट कर रही है या फिर एक हेमिस्फीयर को अफेक्ट कर रही है सेरिब्रम का, तो उसे हम फोकल सीजर कहते हैं या फोकल एपिलेप्सी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोकलाइज डिस्टर्बेंस होता है कॉर्टेक्स का, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका क्या है, पूरा कॉर्टेक्स है उसका लोकलाइज, मतलब एक स्पेसिफिक पार्ट पे ही जो न्यूरॉन्स है, सेरिब्रल न्यूरॉन्स है, वो एक्टिव है। तो ये कब हो सकता है कि इस पार्ट पर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, इस पार्ट की टीबी हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, या ट्यूमर हो जाए, हिमाटोमा का फॉर्मेशन हो जाए, स्ट्रोक हो जाए, और ये चीज को ये दबा रहा है, तो इस टाइम पर क्या होगा कि लोकलाइज डिस्टर्बेंस होगा कॉर्टेक्स का, तो इसे हम फोकल सीजर कहते हैं, ठीक है। तो फोकल इन्फेक्शन हो, ट्यूमर हो, और इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स रहेंगे वो डिपेंड करेंगे कि कौन सा लोब अफेक्टेड है, ठीक है, डिपेंड ऑन विच कॉर्टेक्स एरिया इज अफेक्टेड। सो जो फोकल सीजर है वो 30 प्लस की एज में जनरली मिलता है। अगर ऑक्सीपिटल लोब अफेक्टेड है तो विजुअल चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब में ही विजुअल एरिया है, सो विजुअल चेंजेस आएंगे। अगर फ्रंटल लोब अफेक्टेड है तो स्लीप वॉकिंग मिलेगी, क्योंकि फ्रंटल लोब क्या सभी चीजों की एक्टिविटी हमारी देखता है, माइंड के जो भी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है फ्रंटल लोब ही सोचता समझता है, सो स्लीप वॉकिंग मिलेगी। अगर फ्रंटल लोब अफेक्टेड है, ऑक्सीपिटल लोब अफेक्टेड है, तो विजुअल चेंजेस मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जनरलाइज्ड सीजर। जनरलाइज्ड सीजर आप वर्ड से समझ सकते हैं कि जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो पूरे ब्रेन के बहुत सारे पार्ट पर है, ठीक है, जो मेन सेंट्रल मैकेनिज्म है जहां से न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं वहीं पर ही प्रॉब्लम है, तो इसे हम जनरलाइज्ड सीजर कहते हैं। तो इसमें भी दो में हम क्लासिफाई करते हैं, या तो बहुत ज्यादा झटके आए, जिसे हम क्या कहते हैं, टोनिक क्लोनिक सीजर। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा ऐसे जर्किंग मूवमेंट्स दिखाता है, ठीक है, पहले तो ट्वीचिंग मिलती है एबनॉर्मल, फिर एकदम ही जर्किंग मिलती है, एकदम झटके आते हैं, सो ये टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं। सो टोनिक क्लोनिक सीजर को हम ग्रैंड माल एपिलेप्सी कहते हैं। नेक्स्ट वैरायटी है एब्सेंस सीजर। वर्ड से अगर आप समझे कि इसमें कोई भी टोनिक क्लोनिक मूवमेंट नहीं होते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, एब्सेंस सीजर कहा गया है, जिसे हम पेटिट मॉल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है पेटिट मॉल में, कि जनरली ये बचपन में स्टार्ट होता है, ठीक है, चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होता है। तो अगर वो पेशेंट, अगर जो बच्चा है वो स्कूल में बैठा है, तो वो कंटिन्यूसली ब्लैंकली देखता रहेगा, स्टेयर करता रहेगा चीजों को, तो टीचर को क्या लगेगा कि ये डे ड्रीमिंग कर रहा है या एब्सेंट माइंडेड है ये जो बच्चा है। लेकिन ये मतलब अपन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं एब्सेंट सीजर को, तो इसे हम क्या कहते हैं, पेटिट मॉल कहते हैं। सो जनरलाइज सीजर एंड फोकल सीजर्स। नेक्स्ट जो ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी है, इसे मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि पहले एक ऑरा आता है, मतलब पेशेंट को एबनॉर्मल सेंसेशन आएंगे, ट्वीचिंग आएगी, ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि मुझे सीजर आने वाले हैं, तो इसे हम ऑरा कहते हैं, एबनॉर्मल एक्टिविटी जो हो रही है। तो इनिशियल ऑरा होता है, फिर पेशेंट एकदम रिजिड हो जाता है, ठीक है, एकदम कड़क हो जाता है, और अगर वो खड़ा है तो अपने प्लेस से ही गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एकदम रिजिड हो गई है उसकी बॉडी। देन क्या होता है कि उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है और सेंट्रल साइनोसिस भी मिलता है पेशेंट में, साइनोसिस यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन मिलेगा। फिर कॉर्टिकल चेंजेस जो है स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा एकदम ही फ्रीक्वेंटली निकले सेरिब्रल न्यूरॉन्स, फिर ये जो चेंजेस हुए अगर वो स्लो डाउन होते हैं तो पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट को जर्किंग मूवमेंट्स आने लगते हैं, ठीक है, उसके बाद झटके आते हैं। सो जर्किंग मूवमेंट्स आएंगे, उसके बाद जर्किंग मूवमेंट्स आएंगे, जिसे कि हम क्या कहते हैं, क्लोनिक मूवमेंट्स, ठीक है, क्लोनिक मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, जर्किंग मूवमेंट्स, और ये 2 मिनट तक चलेंगे, फिर पेशेंट एकदम फ्लैसिड हो जाएंगे, यानी ढीला पड़ जाएगा, उसके बाद पेशेंट को हेडेक होगा, मायल्जिया यानी मसल एक होगा, ये सारी प्रॉब्लम होगी। तो ये जनरलाइज एपिलेप्सी में आता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। सो जैसे कि अगर पेशेंट की प्रॉपर नींद नहीं हुई हो, सो स्लीप डेप्रिवेशन, या फिर जो एपिलेप्टिक ड्रग्स वो पहले लेता था, जैसे कि फिनाइलटोइन, सोडियम वेलप्रोएट, अगर ये सारे ड्रग्स वो पहले लेता था एपिलेप्सी की और सडनली उसने बंद कर दिया, तो उसे जर्किंग मूवमेंट एपिलेप्सी हो सकती है। अल्कोहल का विड्रॉवल जो सिम्टम्स आता है उसमें भी एपिलेप्सी मिलती है। अल्कोहल विड्रॉवल यानी पहले अल्कोहल लेता था, फिर अल्कोहल लेना एकदम से एब्रप्टली बंद कर दिया। ओके, ड्रग्स का मिसयूज कर रहे हैं, फिजिकल या मेंटल कोई एग्जॉस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें भी, या फ्लिकरिंग लाइट यानी लाइट ऐसी चालू हो रही है, बंद हो रही है, उसे हम फ्लिकरिंग लाइट बोलते हैं, तो उसमें भी लाउड नॉइजेस में आ जाता है, बहुत ज्यादा शोर में जा रहे हैं, डीजे में जा रहे हैं, तो पेशेंट का एपिलेप्सी का अटैक उस टाइम पे आ जाता है। ओके,
जनरलाइज सीजर आ रहा है पेशेंट को जिसमें टोनिक क्लोनिक मूवमेंट्स हो रहा है यानी जर्किंग मूवमेंट हो रहा है, तो उस टाइम में क्या पेशेंट को टंग बाइट होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक माउथ गैग बीच में मुंह में रख देते हैं। सो ड्यूरिंग एन अटैक ऑफ जनरलाइज सीजर पेशेंट कैन हैव टंग बाइट, ठीक है, और यूरिनरी इनकंटिनेंस भी हो सकता है, अपने आप ही यूरिन निकल जाती है जिसे हम यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं। ओके, सो इन्वेस्टिगेशन कैसे करवाते हैं हम, पेशेंट का 12 लीड ECG देखते हैं, MRI करवाते हैं, CT स्कैन कराते हैं ब्रेन का, कोई फोकल एरिया में कोई प्रॉब्लम है, जो भी इशू है वो हमें पता चल जाता है, कोई हिमाटोमा फॉर्मेशन है। ओके, और हम कराते हैं पेशेंट का EEG इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम करवाते हैं, जो कि हमें पता करता है कि कौन सी एपिलेप्सी है। सो दिस इज ऑल अबाउट एपिलेप्सी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।